हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिग्नेंट फिगर और जो होते हैं राउंडिंग ऑफ के बारे में पढ़ा था। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, और इस लेक्चर में उसका पार्ट वन जो है वो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डायमेंशनल एनालिसिस में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डायमेंशंस होते क्या हैं एंड डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अलग अलग क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले भी हम लोग डेराइव करें। ठीक है, ये हमारा आज का काम। ठीक है, होता क्या है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, हम पहले सेवन फंडामेंटल जो क्वांटिटीज हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ठीक है, हम लोग क्या, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी हैं, उसमें मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर था, और इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो थी हमारे पास, ये सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। जितनी भी बाकी फिजिकल क्वांटिटी है उनको इनके हिसाब से हम जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन जो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनको सात डायमेंशंस हम बोल देते हैं वर्ल्ड के। वी कॉल दीज सेवन फिजिकल क्वांटिटीज एज सेवन डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है जिसके अराउंड जहाँ पे हम रहते हैं। उस फिजिकल वर्ल्ड के सात डायमेंशन के से हम रिलेट कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस फिजिकल वर्ल्ड को हम सात डायमेंशन से सेवन डायमेंशन में हमने बांट दिया। ठीक है, जितनी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है उतने डायमेंशन में। जैसे अब हमारे पास क्या, जो मास है उसको लिख दिया हमने एम। डायमेंशन लिखते हैं जब भी ऐसे ही पेरेंथिस में लिखते हैं। लेंथ उसको एल, ये डायमेंशन। टाइम उसको टी। ठीक है, उसके बाद ठीक, ये तो फंडामेंटल आपको पता है ये क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, उसको लिखते हैं हम ए से। टेम्परेचर को कैपिटल के, अमाउंट ऑफ सबस्टांस उसको लिखते हैं मोल, MOL लिखते हैं उसका डायमेंशन। ये लिखने का किस हिसाब से लिखा जाता है वो बता दूँ। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसको कैसे लिखते हैं CD। ठीक है जी, तो ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, हम ये बोलते हैं कि सारे फिजिकल क्वांटिटीज को, सारे जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उसको हमने सेवन डायमेंशन से लिख दिया। सारे फिजिकल क्वांटिटीज को सात डायमेंशन से लिख दिया और फिजिकल वर्ल्ड के। ठीक है, यार अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया, तो इसका मतलब क्या है
therefore the dimensional formula, ठीक है, और डायमेंशन जिसको बोलते हैं, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी। ये जस्ट डेफिनेशन है, डेफिनेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी है, सपोज हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में ए की क्या पावर होगी, वेलोसिटी में एल की क्या पावर होगी, वेलोसिटी में एम की क्या पावर होगी, ठीक है। और फिर वो एम की पावर भी लिखनी है अपने, इसकी हर चीज़ की पावर लिखनी है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक है जी, ये है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यही कह रहा ना कि हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की पावर को कितना रेज करें ताकि हमारे पास वही फिजिकल क्वांटिटी जो है वो आ जाए, ठीक है। चलिए, जैसे डेंसिटी है, आपको पता डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, तो l का क्यूब, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, m l की पावर माइनस थ्री। एम की पावर कितनी है यहाँ पे, 1, l की पावर कितनी है, 3, माइनस थ्री। इसका मतलब m की पावर 1 करें और l की पावर माइनस थ्री करें तो हमारे को डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला मिल जाता है। तो वही लिखा हमने कि द डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन और डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज टू रिप्रेजेंट द गिवन क्वांटिटी, ठीक है। वो पावर है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल ये साथ हैं, कितनी कितनी पावर करें ताकि ये वही क्वांटिटी हमारे को आ जाए, दैट इज द डायमेंशन फॉर्मूला। बहुत मुश्किल नहीं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता करके सबके हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन लिखेंगे। बाकियों के डायमेंशन जीरो है, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, डायमेंशन करते हैं इनके। पहली फिजिकल क्वांटिटी एमएलटी तो हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सबका एल ही होगा क्योंकि वो लेंथ ही है अल्टीमेटली, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो आता है हमारे पास वो आता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस का लेंथ होता है, टाइम का टी होता है, तो स्पीड का क्या आ गया डायमेंशन फॉर्मूला, वो आ गया एल टी माइनस वन, ठीक है। दूसरा अगर वेलोसिटी का देखें, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी का भी ये होगा एल टी माइनस वन। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला ऊपर से लिखो, एल टी माइनस वन और टाइम टी, तो ये क्या बन गया, एल टी माइनस टू, एक्सेलरेशन भी मिल गया आपको, ठीक है जी। उसके बाद फोर्स मोमेंटम, ऐसे मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ये आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा। मास का डायमेंशन m और वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, m l t माइनस वन, या m वन l वन t, जो भी आप लिखो चाहे नहीं लिखो, आप समझ आ जाओगे, ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन
फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें कई फॉर्मूले हो सकता है, आपने नहीं पढ़े हो अभी, तो ये वाले तो पढ़े हुए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। वो मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा, फिर ही उसके बाद निकालेंगे। मास का डायमेंशन फार्मूला एम, और एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल डायमेंशन फार्मूला एल टी माइनस टू, अभी अभी निकाला, तो ये कितना बन जाएगा, इसका डायमेंशन फार्मूला एम वन एल वन टी माइनस टू। वन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद इम्पल्स, इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम, और इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम भी होता है। तो चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम का सेम ही होगा, इसका मतलब इम्पल्स का सीधे डायरेक्ट लिख लेते हैं, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। उसके बाद वर्क, जो वर्क डन होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम वन एल वन टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट तो का तो एल ही आएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एम वन एल टू टी माइनस टू, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। देखिए 1/2 कांस्टेंट है, इसलिए उसका कोई डायमेंशन नहीं। मास का एम आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू, क्योंकि एल टी माइनस वन हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिएगा बना एम वन एल टू टी माइनस टू। अगर आप ऊपर देखोगे वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन सेम है, तो होता क्या है, कोई भी एनर्जी हो आपके पास, मैं करके नहीं बताऊंगा, कोई भी एनर्जी है आपके पास, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी है, हर तरह की जो एनर्जी है उसका डायमेंशन फार्मूला और वर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होता है, ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं अगली क्वांटिटीज की तरफ। काइनेटिक एनर्जी, इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी का भी ये आएगा, ठीक है। एम जी एच होता है, निकाल के भी चेक कर सकते हो, मास का एम, एक्सेलेशन का एल टी माइनस टू, और जो हाइट है उसका तो लेंथ ही होती है वो, तो क्या बन गया, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है, ये भी निकल गया। उसके बाद अगला पावर, पावर होता है आपको पता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। अभी मैं सिंपल सिंपल ही करवा रहा हूँ आपको बेटा, ठीक है। तो पावर का डायमेंशन, वर्क फॉर वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टू टी माइनस टू, और नीचे क्या आ जाएगा टी, तो ये क्या बना एम एल टू टी माइनस थ्री। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया, अगर आपको फॉर्मूला पता है आप किसी को भी निकाल सकते हो डायमेंशन फॉर्मूला, और आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। इलेवन, ओके, इलेवन हमारे पास आ जाएगा, डेंसिटी तो कर दिया हमने, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एरिया का एल स्क्वायर आ जाता है हमारे पास, ठीक है। चलो प्रेशर का निकाल लेते हैं फिर, प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो नॉर्मल फोर्स तो फोर्स ही हुई एम वन एल वन टी माइनस टू, और एरिया क्या बना हमारे पास एल का स्क्वायर, तो ये क्या बना एम, ये ऊपर जाएगा टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला भी देख लिया हमने,
ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है टॉर्क, या जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। अब मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका डायमेंशन फार्मूला अगर हम देखें, फोर्स का एम एल टी माइनस टू और डिस्टेंस का एल, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या बना? एम वन एल टू टी माइनस टू। तो आप देखोगे टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला और एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला और वर्क का डायमेंशन फार्मूला लगभग सबका सेम है ना, लगभग क्या सेम ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी इनटू आर। वैसे स्पेशल केस है पर फॉर्मूला ठीक है इन स्पेशल केस। अब मास का एम, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन और डिस्टेंस का एल, तो ये क्या बन गया? एम एल टू टी माइनस वन। एंगुलर मोमेंटम भी हो गया, ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम भी हो गया। उसके बाद कौन सी क्वांटिटी करें हम? पावर भी कर लिया हमने और ये भी कर लिया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जो होता है होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसका कितना बन गया? वन अपॉन टी, तो बन गया टी माइनस वन, है ना, इजी है तो बिल्कुल ही ओके। उसके बाद बड़ी अच्छी क्वांटिटी होती है हमारे पास, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी क्वांटिटीज क्या होती हैं ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे को पता चलेगा, अभी कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। वो होता है सबमिशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ ये मास है, मास का एम और ये डिस्टेंस है, तो ये एल का स्क्वायर, तो क्या बन गया? एम एल टू, ठीक है जी। उसके बाद सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का क्या बनता है? एम एल टी माइनस टू, ठीक है, और लेंथ का एल, एल से एल कैंसिल, क्या बन गया? एम टी माइनस टू, एम टी माइनस टू। अब उसके बाद एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। अब क्या होता है कि एफ फिजिकल टू लिखते हैं, एक हुक लॉ होता है एफ फिजिकल टू के एक्स। तो के जो है इसमें फोर्स कांस्टेंट है, तो के डायमेंशन किसके बराबर आ गए? फोर्स के डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, और नीचे x के डायमेंशन वो आ जाएंगे l, तो ये क्या बन जाएगा? एम टी माइनस टू। तो आप देखोगे सरफेस टेंशन और इसके डायमेंशन भी सेम है, ठीक है। तो और भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो या मुझे वैसे पूछ सकते हो, ओके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।